दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड हुआ, इंटरनेट बैंकिंग हुआ, डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करना हुआ, ये सब आज के टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत वाली चीजें होती है। लेकिन जितनी जरूरत की चीजें हैं हमारे लिए, उतनी ज्यादा हमें सावधानी को भी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसा दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अभी 2 दिन पहले मेरे साथ 20,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। अभी तक तो वो बैलेंस वापस नहीं आया हुआ है। उसके रिकॉर्डिंग ही मैंने काफी सारी जानकारी इकट्ठा की, जैसे कि बैंक से लेकर फिर कस्टमर केयर से कॉल करके फिर और लोगों से मिलकर मैंने जानकारी इकट्ठा किया कि अगर किसी साथ कैसे फ्रॉड हो जाता है तो किस तरीके से कंप्लेन किया जा सकता है, कितने टाइम के अंदर अंदर कंप्लेन करनी होती है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होती है, कितने टाइम में पैसा हमारा रिफंड आता है, ये बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये होता है कि आपके साथ क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन का मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी हो सकता है, शायद आउट ऑफ कंट्री हो या आपकी कंट्री में हुआ हो, या फिर हो सकता है ऑफलाइन का मतलब कहीं आप स्टोर पे गए हो, कोई शॉपिंग किया हो, वहां के जरिए से कोई और ज्यादा फ्रॉड हुआ हो, ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई हो, या आपके पास क्रेडिट कार्ड खो गया है तो भी फ्रॉड हुआ हो, या क्रेडिट कार्ड रहते हुए, जैसे मेरा केस में हुआ था कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड रहते हुए भी फ्रॉड हो गया था। तो इन सभी केसेस में आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, किस तरीके से आप कंप्लेन कर पाएंगे, ये सारा कुछ इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर ये हो जाता है कि आप कंप्लेन किस किस जरिए से कर सकते हैं अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है कभी भी। तो इसके लिए देखिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको ये मिलता है, कस्टमर केयर के पास कॉल करके आप सबसे पहले उनको बताएंगे कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इतने अमाउंट का हुआ है, इस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था, ये सारा कुछ आप डिटेल उनको बता सकते हैं। एक जगह आप ये कंप्लेन कर सकते हैं, दूसरा आप बैंक में ब्रांच में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, तीसरा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं, चौथा आप ईमेल आईडी के माध्यम से उनको मेल करके कंप्लेन कर सकते हैं। ये सारे जरिए हैं जहां से आप कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप कंप्लेन किसी भी जरिए से करिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जो भी कंप्लेंट नंबर हो आप उसको जरूर लीजिए और उसको नोट करके रखिए। समझ लीजिए सबसे बड़ा प्रूफ आपके लिए वही है, क्योंकि उसी के जरिए पता चलता है कि आपने कब किस समय कंप्लेन किया था, क्योंकि वो डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिस डेट को आपने कंप्लेन किया था। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैटर यह भी हो जाता है कि अगर मेरे साथ आज फ्रॉड होता है तो मैं अगर 3 दिन में कंप्लेन करता हूं या 7 दिन में करता हूं या 7 दिन से ज्यादा टाइम पे करता हूं तो मेरे को कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, चलिए इसके ऊपर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपके साथ ऐसा कभी फ्रॉड होता है, इसमें केसेस क्या बनता है कि कस्टमर की गलती हो सकती है या बैंक की गलती हो सकती है, या हो सकता है कि बैंक की भी गलती ना हो, कस्टमर की भी गलती ना हो, सकता थर्ड पार्टी की कोई गलती हो या किसी भी तरह का स्कैम हो। तो इन केसेस में क्या होता है कि अगर बैंक की तरफ से गलती हो वो आपको रिवर्स मिलेगा, अगर आपकी तरफ से गलती है तो भी आपको रिवर्स मिल जाएगा, लेकिन आपको सारा कुछ यानी कि सारा कुछ कंप्लेन वगैरह सबको टाइम से करना पड़ेगा। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको टाइम से होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि अगर कहीं थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो उसमें ना बैंक की गलती है ना आपकी गलती है, उस केस में भी आपका बैलेंस रिफंड हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके साथ कभी भी फ्रॉड होता है तो आप 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपने बैंक में सूचित करना होता है, अपने बैंक को वहां पर नोटिस देना होता है, अपने बैंक को कंप्लेन करना होता है। उसके साथ साथ ऑनलाइन जो भी मैंने आपको बताया प्रोसेस, तो आपको जब पता चले आपको साथ ही साथ कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लेन कर देते हैं तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, इस बात ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। उस केस में क्या होता है कि जितना भी बैलेंस होता है, जो आपका बैलेंस कटता है वो रिफंड हो जाता है। और अगर आपने 3 दिन के बाद कंप्लेन किया, यानी कि 4 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर कंप्लेन किया, तब क्या होगा, अगर आपने 4 दिन से लेकर 7 दिन तक कंप्लेन किया तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 5 लाख रुपए तक होती है तो आपको उसमें 10,000 रुपए तक का नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपका 25,000 का फ्रॉड हुआ तो 10,000 रुपए आपको पे करना होगा, 10,000 रुपए आपको मतलब ओतना पड़ेगा, 15,000 रुपए बैंक वापस करेगी, ठीक है। इस केस में अगर आपने 4 से 7 दिन में कंप्लेन किया तो, अब बात यह आती है अगर आपने 4 से 7 दिन तक कंप्लेन किया लेकिन जब 5 लाख की लिमिट थी तब तक के लिए ठीक था, अगर 5 लाख से लिमिट ऊपर हो जाती है तो आपको 25,000 रुपए तक का भी नुकसान उतना पड़ सकता है। मान लीजिए आपके साथ 50,000 रुपए का कोई भी ट्रांजेक्शन होता, कोई फ्रॉड होता, उसमें 25,000 रुपए तो आपको पे करना पड़ेगा, 25,000 रुपए बैंक पे करेगी। तो ये हो गया आपका कंप्लेन करने का प्रोसेस, यानी कि टाइम से अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपको उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, जिसमें कि आपका 0 लॉस होता अगर आपने 3 दिन के अंदर कंप्लेन किया तो। और उसके साथ साथ दोस्तों आप इस पे साइबर क्राइम पे भी कंप्लेन कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप FIR भी कर सकते हैं, अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वहां पर भी FIR कर सकते हैं। ये सारे माध्यम हैं जहां से आप इन सब चीजों को कर सकते हैं ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा प्रूफ रहे कि हाँ आपने समय रहते हुए कंप्लेन किया हुआ, ताकि इसके आगे कोई भी और फ्रॉड ना हो पाए।
और जो भी आपके पास फ्रॉड हुआ है उसका जो भी अमाउंट है वो आपको रिवर्स मिल पाए। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपके साथ ऐसा फ्रॉड हो भी जाता है तो आपको पैसा वापस कब तक मिलेगा, कितना समय लग सकता है, सबसे इम्पोर्टेंट मैटर ये हो जाता है। देखिए इसमें 10 वर्किंग डे का टाइम लगता है, 10 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड आ जाता है। मान लीजिए अगर 10 दिन में आपका पैसा रिफंड नहीं आता है तो ज्यादा से ज्यादा जो टाइम लगेगा वो 90 दिन का लग सकता है। बैंक की भी कुछ पॉलिसीज होती है, जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हो सकता है कि बैंक का कुछ इंश्योरेंस वगैरह हो उसके अकॉर्डिंग हो आपको पैसे को रिफंड करें, लेकिन वो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम, उसमें आप कस्टमर का कोई भी मैटर नहीं है। लेकिन वो ज्यादा ज्यादा जो टाइम ले सकते हैं RBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो सिर्फ 90 डेज होता है। 90 डेज अगर ऊपर भी अगर चला जाता है तो आप उसके लिए भी और ज्यादा कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और भी बनाऊंगा ताकि कभी इन फ्यूचर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि 90 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो फिर वो क्या करेंगे। हालांकि 90 दिन प्रॉब्लम बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाती है, जैसा कि इसमें एक भाई ने मेरे को कमेंट कर बताया था, उनका भी 30,000 रुपये फ्रॉड हुआ था SBI क्रेडिट कार्ड का, तो 10 दिन के अंदर उनका बैलेंस रिफंड आ चुका था। सो दोस्तों 10 दिन में आपका रिफंड आ जाएगा, 10 दिन नहीं आता तो लास्ट 90 डेज का टाइम लगता है। और दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा एक मैटर और भी होता है कि अगर आपका बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है, बैंक में आपका अकाउंट है, आप अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो उसमें भी आपके चांसेस जानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर ये होता है कि जान पहचान, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका रिलेशन काफी अच्छा है तो आपका काम बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाता है। अगर वही केस अगर मान लीजिए एक नॉर्मल बंदे के साथ होता है तो उसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ जाती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि अगर आपने अपना सारा काम समय के हिसाब से कर दिया, टाइम से रहते हुए कर दिया, तो उसमें आपका लॉस नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट डेट्स बता दिया है, टाइम बता दिया कि इतने समय के अंदर आपको करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी जानकारी दे दी मैंने। अगर आपको लगता है कि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।